वर्ल्ड कप क्रिकेट का खुमार इस समय सभी जगह सर चढ़कर बोल रहा है और इसी बीच सट्टे का बाजार भी गर्म है। करोड़ों रुपए का सट्टा लगाया जा रहा है। गाजियाबाद में पुलिस ने 7 सटोरियों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से लैपटॉप, मोबाइल और हजारों की नकदी बरामद की गई है। इनके पास से कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर बरामद किए गए हैं जिनसे ये दिल्ली और मुंबई में बैठे सटोरियों से संपर्क में रहते हैं और गाजियाबाद के एक फ्लैट में बैठ कर सट्टा लगवाते थे। सहीबाबाद पुलिस ने रेड की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना साहिबाबाद क्षेत्र की पुलिस ने कल रात में वर्ल्ड कप क्रिकेट में सट्टा लगाने वाले 7 सटोरियों को गिरफ्तार किया है यहां से, जिनके कब्जे से करीब 15 मोबाइल फ़ोन और कुछ डिवाइसेस, टेलीविज़न और लैपटॉप, 40,000 रुपये कैश और कुछ एटीएम कार्ड वगैरह बरामद हुए हैं और इनकी सट्टे वाली पर्ची और कुछ डॉक्यूमेंट बरामद हुए हैं और इन सातों को आज पकड़ के जेल भेजा जा रहा है और जो लीगल एक्शन है वो लिया जा रहा है। ये लोग स्थानीय एक फ्लैट में इस तरह का कार्य करते थे और ये लोग जुड़े रहते थे। इनके तार बताए गए हैं कि दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों से भी जुड़े थे और वहाँ से ये लोग हॉटलाइन से जुड़े रहते थे और एक तरफ हॉटलाइन से उनसे जुड़े रहते थे, दूसरी तरफ ये जो सट्टा लगाने वाले हैं, जो पैसा लगाते थे उनसे जुड़े रहते थे। मध्यस्थ के रूप में ये लोग सट्टा लगा के इन डिवाइसेस पे उन चीज़ों को प्रिजर्व रखते थे और मैच ख़त्म होने के बाद जिसका जैसा रहता था हिसाब किताब करके इस तरह से इलीगल कार्य यहाँ पे कर रहे हैं। इनमें से एक पहले भी जेल जा चुका है, एक व्यक्ति ऐसा है जो पहले भी जेल में। सर, सातों के सातों दिल्ली के रहने वाले हैं, गाजियाबाद यूपी को अपना ठिकाना बनाया, ऐसी क्या वजह रही? सुरक्षित था? चूंकि ये बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे इस तरह के कार्य होते रहते हैं, एक आध इसमें यहाँ के भी रहने वाले हैं और आगे पता लगाया जा रहा है कि ये लोग दिल्ली में भी काम करते थे, यहाँ पे करते हैं, कैसे क्या है।